खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के मन्ना के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए और आज खुदा ने मुझे यहाँ पे खुदा के वचन प्रचार करने के लिए मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। तो आज हम एक नए विषय में प्रवेश करेंगे। आज का विषय है भलाई से बुराई को जीत लो, भलाई से बुराई को जीत लो। ये रोमियो की किताब 12वां अध्याय 21वां वचन में है। और आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग अभी 11वां महीने में है। ये जनवरी 2 तारीख से 11वां महीना शुरू हुआ है और ये 11वां महीने के नाम है सेबात या शेबात। ये जकरिया के किताब के अंदर पहले अध्याय में आपको दिखने में आएंगे। तो हम अभी भी नए साल में प्रवेश नहीं किया है, 11वां महीने में है, इस बातों को भी याद रखना। और इस विषय के अंदर 6 विषय है, उसी को आज हम देखेंगे। पहला है विवरण और अर्थ देखेंगे, दूसरा जो है कैसे जीत पाएंगे उसी के विषय में हम देखेंगे, और तीसरा है क्या हमें विजय करना है या जय करना है या क्या हमें जीतना है, क्या चीज से हमें जीतना है, ये तीसरा है। चौथा जो है विजेता कौन है या जीत कौन पाया है उसी के विषय में हम देखेंगे। और पांचवा है जब आप जीत जाते हैं तो आपको क्या मिलता है उसी के विषय में देखेंगे। और छठवां जो है शत्रु पराजित नहीं हो सकते उसी के विषय में हम देखेंगे। तो ये 6 छोटा सा विषय है इस बड़े विषय के अंदर, तो इसी को हम आज विस्तार से वचन से हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की समझ दे, ताकि हम उस वचन को समझकर खुदा के करीब आ सकेंगे। तो आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि आपने हमारे जीवन के अंदर और एक मौका दिया कि आपके वचन को प्रचार करने के लिए। खुदावन हमारे ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों खोल ताकि वचन को हम समझ सके और आपके नाम की महिमा कर सके। हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, सभी के अपराधों को क्षमा कर, दया कर, अनुग्रह कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है भलाई से बुराई को जीत लो, इंग्लिश में वर्ड है ओवरकम। तो उसी के विषय में आज हम देखेंगे। तो रोमियो की किताब 12वां अध्याय 21वां वचन में है। और पहला जो विषय है विवरण और अर्थ हम देखेंगे वचन से। ये इंग्लिश में जो वर्ड है ओवरकम, ये हिंदी में जीत या विजय या जय। जीत जो शब्द है ये बाइबल में 33 बार उल्लेख किया गया है। अंग्रेजी में 2 शब्द है ओवरकम और ओवरकमत, ये 2 वर्ड है अंग्रेजी में। और इजरायली भविष्यवक्ता प्रेरित और विश्वासियों ने जीवित और सच्चे परमेश्वर पर भरोसा करके अपने मार्ग में आने वाले विपत्तियों पर विजय प्राप्त की। प्रेरित योना इसके बारे में 7 बार लिखा है, जब से उसने कई क्लेश सही है। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में
सात कलेशिया से जीतने के लिए कहा गया कहा गया था। और ये जो विषय है ये सात बार उल्लेख किया गया, मतलब जीत के विषय में सात बार उल्लेख किया गया। और ये जो जीत जो इंग्लिश में है ओवरकम, हिब्रानी में दो तीन वाक्य है, शब्द है। वो एक है गुडे, गुडे का मतलब है बीर लगाना या हमला करना या सहना। ये उत्पत्ति के किताब 49वां अध्याय 19 में लिखा है। और गिनती के किताब 13वां अध्याय 30 में दूसरा एक शब्द है इब्रानी में, वो है याकोल। याकोल का मतलब है प्रबल होना या सहना। और दूसरा राजा 16वां अध्याय 5वें वचन में एक तीसरा शब्द है इब्रानी में, वो है लाखाम। लाखाम का मतलब है लड़ना, युद्ध करना। और नए करार में जब हम आते हैं यूनानी भाषा में ये शब्द है निकाहो। निकाहो का मतलब है वश में करना, जीतना या प्रबल होना और विजय प्राप्त करना। ये है जय का जो अर्थ है, या इंग्लिश में जो है ओवरकम। और परमेश्वर के दास पौलुस ने रोमियो से कहा, 12वां अध्याय 21वां वचन जो हमारी विषय है, लिखा है कि बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो लिखा है कि बुराई से न हारो, तो हमें हारना नहीं, लेकिन हमें भलाई से हमें बुराई को बाइबल के अंदर लिखा है जीत लो। तो ये है पहला जो विषय विवरण और अर्थ मैंने आपको खुदा के पवित्र कलाम से आपको बताया। अब हम दूसरे विषय में प्रवेश करेंगे। दूसरा विषय कैसे जीत पाए या कैसे जय पाए या कैसे विजय पाए। तो हमें जय कैसे पा सकेंगे उसके विषय में हम कुछ वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। जैसे पहली योना 5वां अध्याय 14वां वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो अगर हमें जय पाना है तो हमें विश्वास करना है। विश्वास एक खुदा के एक वरदान भी है और विश्वास मुख्य चीज है। और ये संसार मतलब यूनानी भाषा में ये है कॉस्मोस, और कॉस्मोस का मतलब है अपने निवासियों सहित व्यवस्थित व्यवस्था जो है उसके अनुसार ये निवासियों के विषय में हमें दर्शाता है। और इसलिए ये निवासियों से हमें अगर जीतना है लोगों से, तो बाइबल के अंदर लिखा है हमें विश्वास चाहिए। और एक वचन लिखता है पहली योना 5वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर कोई विश्वास करता है कि खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जब मैं कहूंगा पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मतलब खुदा को पुत्र नहीं है, लेकिन जब वो संसार में आए तो वो पुत्र के समान है, इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र। तो कोई भी व्यक्ति अगर विश्वास करता है तो वो संसार से जय पा सकता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है रोमियो के किताब 10:17 में लिखता है, अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। इसलिए विश्वास, जैसे मैंने कहा कि वो एक वरदान है और ये हर किसी के पास नहीं होता है, लेकिन खुदा वो वरदान जिसे चाहे उसे देता है। इसलिए जिसको मिला है वो एक मुख्य चीज है। इसलिए विश्वास से हम संसार से विजय पा सकेंगे। तो ये है हमें विजय कैसा पाना है, तो वो है मुख्य चीज विश्वास। अब हम आगे तीसरा विषय में जाएंगे, क्या हमें जय या विजय करना है, क्या चीज से हमें जय जीत या विजय करना है उसी के विषय में देखेंगे। क्योंकि जब हम
प्रकाशित वाक्य में दूसरा और तीसरा अध्याय जब पढ़ेंगे, वहां पे सात कलेशियां हैं और वहां पे कई गलतियां थी और ये सारी गलती से हमें जय पाना है। तो आज हम मुख्य छह चीज देखेंगे, हालांकि प्रकाशित वाक्य दो और तीन में काफी चीजों को लिखा है, लेकिन जो विशेष है उस बातों को आज हम देखेंगे। तो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय है, चौथा वचन, ये एफिसियों की मंडली है, उनसे लिखा गया। पहला वहां पे लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो ये एफिसियों की मंडली जो विश्वास में थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो पहला सा जो प्रेम है उन्होंने छोड़ दिया। और ये चीज आज भी बहुत से मंडली के अंदर, विश्वासियों के जीवन के अंदर दिखने आते हैं कि पहला सा जो प्रेम है वो छोड़ दिया। इसलिए आज हमें इसे जीतना है, वो प्रेम को छोड़ना नहीं, क्योंकि मत्ताई के शुभवर्तमान इसके 24वां अध्याय 12 वचन में ये लिखा है, अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो आज हमें ये विश्वास को अंत के समय तक हमें विश्वास में खड़ा होना है, विश्वास को हमें खोना नहीं। तो ये जो पहला सा प्रेम जब हम मसीह में आते हैं वो प्रेम आखिरी तक हमें दिखना चाहिए, यही है खुदा की बहुत बड़ी इच्छा। लेकिन जैसे लिखा है कि आदर में जब बढ़ेंगे तो लिखा है बहुतों की प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, इसलिए आज आज भी वही परिस्थिति है। इसलिए हम अपने आप को वो जो पहला सा जो प्रेम है उसी में हमें बना रहना है, उसी को हमें छोड़ना नहीं। इसलिए ये चीज से हमें विजय प्राप्त होना है, ये है पहला चीज। प्रकाशित वाक्य 2:6 में लिखता है, पर हां तुझमें ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। तो खुद स्वयं परमेश्वर लिखता है ये निकोलियों की जो काम है, ये निकोलियो मतलब क्या है, निको मतलब है जीतना या विजय होना, और लाइटिन जो है उसका मतलब है लोग। तो हमको लोगों से जीतना है, लेकिन लोगों से समझौता नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लोगों से हमें जीतना है। निकोलियों की मतलब क्या है, कॉम्प्रोमाइज करना, समझौता करना, चाहे वो गलत हो या वचन के आधार पर नहीं है तो भी हम समझौता कर चलते हैं, वो गलत है। इसलिए खुदा ने लिखा है कि तुम्हारे मंडली के अंदर कुछ लोग हैं जो निकलियों के कामों से घृणा करता है, और खुदा लिखता है मैं भी घृणा करता हूं। इसलिए आज ये जो ऐसी एक मंडली है, लोग है जो समझौता करके, मतलब गलत भी चलो वो भी चलता है, ऐसे एक माहौल बन गया, तो इसलिए हम उसी में प्रवेश नहीं होना। क्योंकि यिर्मयाह नबी 5वां अध्याय 26 और 27 वचन में लिखता है, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। तो जुना समय के अंदर भी लोगों के अंदर, विश्वासी लोगों के अंदर दुष्ट लोग भी थे, वही चीज आज मंडली के अंदर भी दिखेंगे, और ये निकोलियों का काम है। और लिखता है जैसे चिड़ीमार तक में रहते हैं वैसे ही वे भी गांत लगाए रहते हैं, और लिखता है वह फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं, जैसे पिंजरा चिड़ियों से, बाइबल के अंदर लिखा है, बड़ा हो वैसे ही उनके घर चल से बड़े, बाइबल के अंदर लिखा है, रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं। तो ये लोग जो है बढ़ते भी है, धनी भी होते, भले वो दुष्ट होता है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये निकोलियों की शिक्षण कामों से हमें घृणा करना है, हमें उससे बच के रहना है, क्योंकि बहुत से लोगों को आज तमाम
सेवक लोग, पास्टर लोग, उनको कभी भी भीड़ चाहिए। और ये है निकोलियोटिन शिक्षण की, भीड़ के लिए जब हम जाते हैं तो हम बहुत से चीजों के अंदर समझौता कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, और इसलिए ये चीज से हमें बचना है, क्योंकि शुरुआत की मंडली में ऐसी सब कामों को दिखने में आया। इसलिए खुदा ने मंडलियों को विस्तार से दिखाया कि हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम भीड़ के पीछे न जाए, लेकिन हम भेड़ हम ढूंढे और उनको सही चीज हमें सिखाए। ये हम बाइबल के अंदर लिखा है, ये हमारा कर्तव्य है, ये है। और इसलिए यिर्मयाह नबी, यिर्मयाह की किताब 44वां अध्याय 3 और 4, उसके चौथा वचन ये है, ये घृणित काम मत करो जिसे मैं घृणा करता हूं। तो खुदा खुद इसराइलियों से अपने नबी यिर्मयाह के द्वारा कहा गया, वहां पे कुछ घृणित काम है, वो उनसे कहा कि ये मत करो। तो इसलिए आज हम भी इस बातों को ख्याल करना है कि मंडली के अंदर भी बहुत से घृणित काम है जिसे हम बाहर आना चाहिए, जो गलत है उसी को हम साथ ना दे, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज समझौता ना करें, जो गलत गलती है। इसलिए इस बातों को ख्याल करना, इसलिए ये निकोलियो की काम ये है, ये था खुदा ने कहा था कि इससे हमें जय पाना है। ये है दूसरा चीज हमने वचन से देखा। तीसरा चीज प्रकाशित वाक्य 2:14 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। ये बिलाम जो था एक नबी था, उसके शिक्षा को मानते, जिसने बालक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाई और व्यभिचार करे। ये व्यभिचार मतलब ये आत्मिक तौर से सच्चा खुदा को जब छोड़कर आप और कोई चीज मानता है तो वो भी एक आत्मिक व्यभिचार होता है। इसलिए ये यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसलिए बिलाम जो था एक नबी थे, उनके विषय में दूसरा पत्रोस, इसका दूसरा अध्याय 16 वचन में परमेश्वर की दास पत्रोस लिखता है, पर उसके अपराध के विषय मैं उलाना दिया गया, यहां तक कि अबोल गदी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। तो ये नबी के अंदर बहुत से बावलेपन थे, और ये बालक ने जो भी गिफ्ट वहां पे ले आए उसी के पीछे थे। और ये नबी, क्योंकि बालक जो था, जो मोयाबी के जो राजा थे, उनको मालूम था कि खुदा नबी के द्वारा ही कार्य करता है, इसलिए उन्होंने नबी को पकड़ा और उनसे कहा कि इन लोगों को शाप करो, लेकिन खुदा ने उनको शाप करने के लिए मौका दिया नहीं। खुदा ने उनके मुंह को भी संभाला कि वो ऐसे कोई वचन न निकले, तो खुदा ने ये चीज किया। तो इसलिए बिलाम की जो शिक्षा है ये गलत है, नबी एक नबी था। तो वैसे आज मंडली के अंदर भी बहुत से नबी लोग हैं, कई चीज वो कहते हैं गलत है, तो इसी से भी हमें सावधान रहना है और अपने आप को इसी से भी संभालना है। तो ये है तीसरा जो चीज जिसे हमें विजय पाना है, इसलिए वचनों को लिखा गया। और चौथा जो है प्रकाशित वाक्य 2:15 में जब आप पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। जब आप एपिसियों की कलिसिया में लिखता है कि निकोलियों की कामों, लेकिन यहां पे जो तीसरा मंडली है मैं जब आए तो वहां पे लिखा है कि निकोलियों की शिक्षा, तो काम जो है अभी क्या हो गया, शिक्षा बन गया। इसलिए निकोलियों की काम अब शिक्षा हो गया, काम जो है वो बाइबल के अंदर लिखा है वो लाचिल होता है, मतलब वो आपको इच्छा है तो कर सकता है, नहीं है तो नहीं करना, लेकिन जब शिक्षा होता है एक सिद्धांत बन जाता है तो वो आपको मानना जरूरी है। तो इसलिए ये काम और शिक्षा में ये फर्क है। काम तो
चाहे करो ना करो चलेंगे, लेकिन जब शिक्षा होता है, सिद्धांत होता है, तो वो एक आज्ञा होता है, तो हर व्यक्ति को वो करना पड़ता है। तो ये है चौथा चीज वचन में लिखा गया। तो पांचवा चीज क्या है हम देखेंगे, जिसे हमें जय पाना है, वो है दूसरा मंडली जो स्मरण मंडली से कहा गया। प्रकाशित वाक्य 2:9 में लिखता है, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है। तो इंग्लिश में लिखा है सिनेगॉग ऑफ सैतान। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है शैतान की सभा, मतलब क्या है शैतान की, जो शब्द शैतान है ये यूनानी भाषा में इसका मतलब है दोष लगाने वाले या आरोप लगाने वाले। तो दोष लगाने वालों की सभा जो है आज काफी है। जब आप सच्चाई को प्रचार करेंगे लोग आपको दोष लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, ये तो आपको दिखने में आएंगे। तो ये उस समय के अंदर भी था 2000 साल पहले, आज भी आपको दिखने में आएंगे, मंडली के अंदर भी ये है। इसलिए दोष लगाने वाले काफी सभा है जो सत्य से विरुद्ध है, वो आपके ऊपर जरूर दोष लगाएंगे, लेकिन ये आपको स्वीकार करना है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है सत्य सदा सत्य रहेंगे। तो इसलिए इस बातों को भी हमें समझना है, क्योंकि बहुत से मंडलियां हैं जो कहते हैं कि जो आप मानते शिक्षण गलत है, यानी बहुत सी चीज आपको कहेंगे, लेकिन जो सत्य है उसे हमें मानकर चलना है। लोगों की बातों को या दोष लगाने वाले लोगों के ऊपर हमें ध्यान देना नहीं, इस बातों को हमें ख्याल करना है। तो यह है पांचवा चीज जिसे हमें विजय प्राप्त होना है, ओवरकम करना है। तो यह है पांचवा चीज। छठवां चीज जो है प्रकाशित वाक्य 2:20 में लिखता है, ये तुतिरिया मंडली जो है उसी को लिखा गया, वहां पे लिखा है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजिबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ति कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों की आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाने सिखलाकर भरमाती है। तो ये इजिबेल जो था, जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन जूना करार में जब पढ़ेंगे तो इनका हाथ था कि नाबोत को नाश करने के लिए। तो उनके विषय में पहला राजा 21वां अध्याय 25 में भी ये लिखा है, फर्स्ट किंग चैप्टर 21:25, वहां पे हम जब पढ़ेंगे लिखा है सचमुच एहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपने पति इजिबेल के उकसाने पर वे काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला है। तो ये जो स्त्री था उकसाने का काम करते थे ये आपको, और बाइबल के वचन में लिखा गया कि इन्होंने, बाइबल के अंदर लिखा है नाबोत को नाश किया, उनका जो जगह था उन्होंने ले लिया, उनको मारने के बाद उनका जगह लिया। तो ये भी आप आज मंडलियों के अंदर भी ऐसे ऐसे कामों को भी आपको दिखने में आएंगे, बहुत से गलत काम लोग विश्वास में आने पर भी, आदम का स्वभाव जो है अभी भी मरा नहीं है, वो लोगों के अंदर बीच बीच में कार्य कर ऐसे सब सेवाएं लोग करते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग ईसाई लोगों के विरुद्ध इसलिए, क्योंकि उनके भी कुछ काम गलत निकले, इसलिए हम इस सारी बातों से हम ख्याल करें और हमें ये सब जो स्वभाव है इससे हमें जीतना है। इसलिए जो 6 चीज जो आज हमने देखा इस पर हमें विजय प्राप्त हमें करना है, क्योंकि कलेशिया में और भी कुछ चीजें लिखा है जो आप विस्तार से प्रकाशित वाक्य 2 या 3 जब आप पढ़ेंगे, 2, 2:3 वहां पे काफी चीज लिखा है, लेकिन मैंने विशेष करके 6 चीजों को आपको दर्शाया कि हम इस 6 चीज से हमें विजय प्राप्त होना है। पहला है, पहला सा प्रेम हमें छोड़ना नहीं।
दूसरा है निकोलियों के कामों को, उसे भी हमें जीतना है। तीसरा जो है हमें बाइबल के अंदर लिखा है, बिलाम की शिक्षा से जो है हमें उससे भी बाहर आना है। चौथा चीज जो है निकोलियों की जो शिक्षा है उसे भी हमें बाहर आना है। और पांचवा चीज जो है शैतान की जो सभा है उससे भी हमें बाहर हमें आना है। और छठवां चीज जो है इजीबेल की जो शिक्षण है, रीत है, रिवाज है, वो सारी चीजों से भी हमें बाहर आना है। तो ये है, हमने छह चीज हमने वचन से देखा कि हमें ये छह चीज से हमें जय पाना है, ओवरकम करना है, ताकि खुदा आप सबों को आशीष कर सके। अब हम चौथा विषय में हम प्रवेश करेंगे। चौथा जो विषय है, विजेता कौन है या जीत कौन पाया है। कौन सी लोग था जो वचन में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत से क्लेश, बहुत से अलग अलग चीज उनके जीवन के अंदर जब आए तब उन्होंने किस प्रकार जीते, उसी के विषय में हम कई वचनों को देखेंगे। पहला चीज है उत्पत्ति 49 उसका 19 वचन, जेनेसिस चैप्टर 49:19, वहां पे लिखा है गाद। गाद मतलब ये इजराइलियों की एक गोत्र है। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छाप मारेगा या काबू या जीत पाएगा। तो ये गाद जो इजराइलियों की एक गोत्र थे उनके विषय में परमेश्वर के दास याकूब ने जब बच्चों को आशीष करते टाइम ये वचन लिखा गया गाद के विषय में। और वैसे आगे जब वचन पढ़ेंगे गिनती की किताब 13वां अध्याय 30 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे कि जब 12 गोत्र के 12 लोगों को कनान देश जासूसी करने के लिए जब भेजा गया तब वहां पे लिखा है दो ही व्यक्ति था जिन्होंने अच्छे रिपोर्ट लेके आए। तो उसमें वहां पे लिखा है वचन में गिनती 13वां अध्याय 30 वचन नंबर्स चैप्टर 13:30 वहां पे लिखा है कि पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने के विचार से कहा हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। तो भाई के अंदर लिखा है कालेब को विश्वास था कि जोशुआ को था लेकिन बाकी जो 10 लोग गए थे उनके अंदर वो विश्वास नहीं था। इन दोनों के अंदर वो विश्वास थे और इन्होंने बाइबल के अंदर अभी हिंदी में यहाँ पे शक्ति लिखा गया लेकिन इंग्लिश में आप जब पढ़ेंगे लिखा है वी आर एबल टू ओवरकम करके उन्होंने लिखा गया। तो ये कालेब के अंदर विश्वास थे, गाद के अंदर वो विश्वास थे कि पिछले बाप पर छाप मारेगा। वैसे नए करार में जब हम आते हैं योना के सुसमाचार इसका 16वां अध्याय 33 वचन में खुदावन यीशुआ हामशिया स्वयं उन्होंने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है। खुदावन यीशु मसीह ने शिष्य से कहा जॉन चैप्टर 16:33 संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु दाढ़स बांधो मैंने संसार को बाइबल के अंदर लिखा है जीत लिया है। संसार जो मैंने कहा कॉस्मोस मतलब वहां के लोगों के विषय में लिखा है। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है इसलिए आज उसने कहा कि दाढ़स बांधो क्लेश तो होगा लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है जैसे मैंने जीता है वैसे तुम भी जीत पाओगे। तो खुदावन यीशु मसीह स्वयं संसार की सारी चीजों से उन्होंने जय पाया और लोगों से और लोगों के कार्य से सारी चीजों से उन्होंने जय पाए। तो इसलिए और एक उदाहरण जो हमने देखा कि स्वयं खुदावन यीशु मसीह जय पाने से वो हमें भी एक आशा विश्वास दिलाता है कि हम भी जय पा सकेंगे। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। पहली योना 2 अध्याय 13 वचन 1 John 2:13 वहां पे लिखा है ये जवानों। तो आज बहुत से जवान जो है जवानी में खुदा के नियम से दूर चले जाते हैं, खुदा को मानते नहीं है और इसलिए यहां पे लिखा है कि ये जवानों
मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तो जवानों को भी, अगर जवानी में दुष्ट से अगर हम जय पाएंगे तो हमारे आगे के जीवन बहुत से आशीष में होगा। इसलिए परमेश्वर के दास प्रेरित योना ये वचन लिखा गया, तमाम जवानों को लिखा है। तो इसलिए आज सुनने वाले सभी जवानों का जीवन के अंदर जितने भी दुष्ट काम है उसे अगर हमें जय पाना है तो हमें खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और उनके नियम से अगर चलेंगे तो हम संसार से जय पा सकेंगे, दुष्ट से जय पा सकेंगे। उसी समान पहली योना चौथा अध्याय चौथा वचन में भी लिखा है, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4:4 यहां पे लिखा है, ये बालकों, मतलब ये नए नए जो विश्वास में आए लोगों को भी लिखा है, ये बालकों तुम परमेश्वर का हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तो हमारे अंदर जो है वो बड़ा है, मतलब परमेश्वर की आत्मा वो हमें संसार से हमें जय पाने के लिए मदद कर सकता है। इसलिए ये बालकों को, मतलब बच्चों को भी लिखा गया, नए नए विश्वासियों से भी लिखा है कि हमें जय पाना है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बाइबल के अंदर लिखा है वो संसार से भी बड़ा है। इस बातों को हमें ध्यान देना है। तो इसलिए हमने यहां पे ये सारी वचनों को देखा और एक वचन प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे। वे मतलब वो 10 राज्य है, 10 किंग्स, बोले ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएंगे। तो ये 10 राष्ट्र से भी खुदावन यीशु मसीह क्लेश के समय में जय जरूर पाएंगे, इसके विषय में भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो आज ये काफी उदाहरण आज हमने देखा कि जिन लोगों ने जय पाया, जैसे इज़राइल की गोत्र गाद थे, कालेब थे, खुदावन यीशु मसीह स्वयं कहा कि मैं संसार को जीत लिया है, और हमने जवानों के विषय में देखा, बालकों के विषय में देखा, और ये जो 10 राष्ट्र है उसी से भी मेमना, मतलब खुदावन यीशु मसीह स्वयं उनसे भी जय पाएंगे। तो इसलिए ये तमाम वचन से हमें भी खुदा एक आशा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि हम भी संसार से और संसार की सारी चीजों से हम भी जय पा सकेंगे। तो इसलिए ये सारी बातों को वचन में लिखा गया। अब हम पांचवा विषय में हम जाएंगे। पांचवा विषय ये है, जब आप जीत जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये भी हम वचन में देखेंगे। ये भी आपको प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में, खास करके कलेशिया को ये वचन लिखा गया, मंडलियों को। तो कलेशिया से कहा कि अगर कलेशियाएं और विश्वासी जो कलेशिया के अंदर है, अगर उन्होंने जय पाए तो उनको क्या मिलता है, उसी को हम वचन से देखेंगे। तो पहला चीज एबीसीओं की मंडली से कहता है प्रकाशित वाक्य 2:7 रेवलेशन चैप्टर 2:7 वहां पे लिखा है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन की पेड़ में से जो परमेश्वर की स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो ये आत्मिक तौर से ये जीवन का पेड़ जो है खुदावन यीशु मसीह है, और शारीरिक तौर से ये एक पेड़ है जो प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 2वां वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया, ये पेड़ हर महीने में फल देंगे, और बाइबल के अंदर लिखा है ये झाड़ की जो पत्ता है वो आपको चंगाई भी देगा। तो इसलिए ये वचन आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो इसलिए लिखा है जीवन की पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को देगा, तो आज हम उस फल को खा सकेंगे। तो ये एक आशीष है जो जय पाने वाले को खुदा देने वाली है, पहला चीज। दूसरा चीज स्मिरना जो मंडली है कलेशिया है उसी को लिखा गया, 2 अध्याय 11 वचन रेवलेशन चैप्टर 2:11 वहां पे लिखा है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेंगी। ये दूसरा मृत्यु जो है वो है आग के झील में, एक मरण हमें इस धरती में है, उसके बाद आत्मा का भी जो मरण है
वो आग के झील में डाला जाएंगे, तो जो विश्वास करेंगे जय पाएंगे, वो उनके विषय में लिखा है कि उनको दूसरा मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। तो ये प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 14 वचन और 21वां अध्याय 8वां वचन में भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखने में आएंगे, रेवलेशन चैप्टर 20:14, रेवलेशन चैप्टर 21:8। तो ये है दूसरा चीज, आप अगर विजय पाए जय पाए तो आपको दूसरा मृत्यु आपको नहीं होगा, इसी के विषय में भी लिखा गया। तीसरा चीज जो है पर्गमम कलेशिया, जो है तीसरा कलेशिया, प्रकाशित वाक्य 2:17 में लिखता है, रेवलेशन चैप्टर 2:17 वहां पे लिखा है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन मन्ना में से दूंगा और उसके उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के शिवाय और कोई ना जानेगा। तो ये तीसरा जो जय पाने वाले को लिखा है कि गुप्त मन्ना जो है, खुदा के पवित्र वचन, गुप्त बातों को खुदा क्या करेंगे, उनको खोलकर बताएंगे, समझाएंगे। और बाइबल के अंदर लिखा है उन्हें एक श्वेत पत्थर, मतलब सफेद पत्थर जो देगा, उस पत्थर के ऊपर एक नाम रहेगा, जो पाने वाले को वो नाम समझ में आएंगे उस समय के अंदर। यह है तीसरा जो आशीष जो है खुदा ने कहा कि जो जय पाने वाले को मिल सकता है। चौथा जो है त्वित्रा कलेशिया जो है उस कलेशिया को लिखा गया, दूसरा अध्याय 26वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 2:26, चौथा मंडली से कहा गया, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। 27वां वचन में लिखता है, और वहां वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तनों चिकना चूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाई है। और 28वां वचन में लिखता है, 28, और मैं उसे बोर का तारा दूंगा। तो यहां पे चौथा जो आशीष जो जय पाने वाले के लिए ये है, यहां पे लिखा है कि जाति जाति लोगों पर अधिकार दूंगा, और बाइबल के अंदर लिखा है उन्हें, बाइबल के अंदर लिखा है बोर का तारा दूंगा। तो ये बोर का तारा है, खुदावन यीशु मसीह है, वो भी आपको प्रकाशित वाक्य में आपको ये वचन दिखने में आएंगे, बोर के तारा खुदावन यीशु मसीह है। तो चौथा आशीष जो है जय पाने से, हमने देखा दो चीज कि जाति जाति लोगों पर अधिकार खुदा दूंगा और उनको बोर का तारा भी दूंगा करके वचन में लिखा है, और बोर का तारा है प्रकाशित वाक्य में, और परमेश्वर की दास पत्रोस ने भी लिखा है, वो है खुदावन यीशु मसीह स्वयं। तो ये है चौथा आशीष जय पाने से, जीत जाने से। पांचवा जो है सार्दिस कलेसिया से लिखता है, 3:5, प्रकाशित वाक्य 3:5, रेवलेशन चैप्टर 3:5, इस मंडली से कहा गया, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो यहां पे भी दो चीज लिखा गया, जो जय पाएंगे उनको श्वेत वस्त्र पहनाएगा, मतलब सफेद वस्त्र, मतलब यह है परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है, और वो हमें मिलेंगे और उनको जीवन की जो पुस्तक है उसमें से बाइबल के अंदर लिखा है नाम न काटेगा, ये भी खुदा हमें याद दिलाता है। ये है पांचवा आशीष जो है जय पाने से। छठवा जो है फिलाडेल्फिया कलेशिया से कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:12 में, रेवलेशन चैप्टर 3:12, वहां पे लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम
और अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नया यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है, छठवा चीज खुदा ने लिखा है, फिलाडेल्फिया जो मंडली से कहा गया रेवलेशन चैप्टर 3:12 वहां पे लिखता है परमेश्वर एक खंभा बनाऊंगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास पौलोस पत्रोस ये सभी लोग खुदा के बहुत खंभे थे, वैसे खुदा आपको भी बनाऊंगा। और बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर का जो नाम है और नगर का नाम भी वो आपको बाइबल के अंदर लिखेगा, आपको उसी को भी दूंगा। तो ये है छठवा आशीष जो जय पाने वाले के लिए। अब हम सातवां जो आशीष है, जो भी जय पाएंगे उनको क्या प्राप्त होता है उसी के विषय में हम देखेंगे। तो लौदीकिया कलीसिया जो है प्रकाशित वाक्य 3:21 रेवलेशन चैप्टर 3:21 वहां पे लिखा है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो बाइबल के अंदर लिखा है यह सबसे बड़ी आशीष यह है कि खुदा के सिंहासन पर वो आपको बिठाऊंगा, क्योंकि आपने सारी संसार से, संसार की सब रिवाजों से, और आपने जय पाए, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, इसलिए ऐसे सब करने वालों को ये सात आशीष आज हमने वचन से देखा गया कि जो जय पाएंगे उनको खुदा देंगे। पहला चीज हमने देखा गया जीवन की पेड़ का फल खाने मिलेंगे, दूसरा है उन्हें दूसरा मृत्यु उनको नहीं होगा, तीसरा जो है गुप्त मन्ना और श्वेत पत्थर उनके ऊपर जो नाम है वो उनको मिलेगा, चौथा चीज है जाति जाति लोगों के ऊपर अधिकार और बोर की तारा, पांचवा जो है श्वेत वस्त्र पहनाएगा मतलब परमेश्वर की धार्मिकता, और छठवां चीज है एक खंभा बनाऊंगा और बाइबल के अंदर लिखा है और अपना नाम और अपना नगर का जो नाम है वो उनको जताएगा, और सातवां चीज जो है अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो ये सात आशीष हमने देखा, और एक आशीष जो है जय पाने से, तो प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 7वां अध्याय मतलब प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक है, उसमें खुदा ने विशेष करके लिखा गया जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा, और लिखा है कि मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। तो ये है आठवां जो आशीष खुदा ने सभी लोगों के लिए, मानने वाले के लिए और क्लेश के समय भी जो खड़े होंगे उनके लिए खास लिखा गया, जैसे ट्रिबुलेशन टाइम क्लेश के समय ये वचन लिखा गया। तो हमने आज वचन से देखा कि जीत जाने से आपको क्या मिलता है इसी के विषय में देखा, सात चीज कलेशिया के लिए लिखा है, एक चीज क्लेश के समय के अंदर भी लिखा गया। तो ये आठ आशीष जो है मैंने आपको वचन से बताया। अब हम छठवें जो विषय में जाएंगे, शत्रु पराजित नहीं हो सकते, याद रखना अगर हम वचन से चलेंगे तो शत्रु पराजित नहीं हो सकते। तो इसलिए इस विषय में हम देखेंगे कि दूसरा राजा 16वां अध्याय 5वें वचन में वहां पे लिखा है सेकंड किंग चैप्टर 16:5 तब आराम के राजा रासीन और रमालिये के पुत्र इज़राइल के राजा पीका ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने एहज मतलब वो यहूदा का राजा था को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बना न पड़ा तो वो जीत नहीं पाया। तो आज वचन से हमने देखा कि रसीन मतलब आरामी राजा और इज़राइल ये दोनों भी मिल गए, मिलकर युद्धा के विरुद्ध खड़ा हुए युद्ध करने के लिए। युद्धा मतलब वचन के अंदर युद्धा का मतलब है प्रेज द लॉर्ड, खुदा को दिल से स्तुति करने वाले।
तो आज कई जैसे इजरायली लोगों के समान बहुत से विश्वासी भले मंडली में होगा, लेकिन वो और रसीन सरीखे जो आरामी के राजा है, ये सब मिलकर विश्वास करने वाले के विरुद्ध कार्य करता है। जैसे और एक वचन हम पढ़ेंगे तो विस्तार से समझ में आएंगे, जैसे आइजिया नबी सातवा अध्याय 5-7 इसी विषय में आइजिया नबी भी लिखता है, आइजिया चैप्टर 7:5-7, ये भी वचन पढ़ेंगे। ये जो राजा में वचन पढ़ा उसी के आधार पर है, ये भी लिखा है कि क्योंकि हरामियों और रमालिया के पुत्र सेमिक एफ्राइम ने ये कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति थानी ही कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे। देखो यह यहूदा पर चढ़ाई करके उनको घबरा दे और उसको अपने वश में लेकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। लेकिन जब देखो खुदा ने क्या कहा, अभी ये लोगों ने युक्ति बनाया, ये तीनों मिलकर, बाइबल के अंदर लिखा है आरामी, यहाँ पे एफ्राइम भी है और इज़राइल, ये तीनों भी मिलकर यहूदा के विरुद्ध आए कि उनको घबरा दे और उनके ऊपर किसी को लेकर राजा बनाए। ये ऐसे आज मंडली के अंदर भी ऐसे सब काम होते हैं, लेकिन खुदा क्या लिखता है देखो, इसलिए परमेश्वर लिखता है आगे, इसलिए प्रभु यहोवा ने ये कहा है कि ये युक्ति ना तो सफल होगी, ये युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी हो। तो ये सफल भी नहीं होगा, ये पूरी भी नहीं होगा, क्योंकि ये मनुष्य ने मिलकर खुदा के लोगों, तो आज मंडली के अंदर भी ऐसे सब आपको मिलेंगे, मंडली के अंदर भी बहुत से ग्रुप्स होता है और वो सब मिलकर अच्छे विश्वास करने वाले के विरुद्ध कार्य करता है। ये सारी बातों को आपको वचन में दिखने में आएंगे। यहाँ पे तीन लोग मिला हुआ है, इसमें बाहर वाले भी आ जाएंगे, आरामी लोग भी आ जाएंगे और कुछ विश्वासी लोग जो इजरायली लोग है वो है और एफ्राइम के लोग भी, ये सब मिलकर यहूदा के ऊपर चढ़ाई करने को और उनको घबरा देने के लिए कोशिश तो किया, लेकिन परमेश्वर ने साफ लिख दिया कि युक्ति ना तो सफल होगी, तो ये युक्ति सफल न होगी ना पूरी। तो इसलिए खुदा लिखता है कि शत्रु विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे, बाइबल के अंदर लिखा है शत्रु पराजित नहीं हो सकते। तो इसलिए ये सारी बातों को हमने देखा, इसलिए आज हमें जीवन के अंदर जय पाना है। आज हमारे जीवन के अंदर बहुत से समस्या है और आज हम ऐसे समय में हैं जब आप देखेंगे कि ये बीमारियां बढ़ रहे हैं और हर तरफ की तकलीफें, तो ये जो पेस्टिलेंस जो है, ये जो बीमारियां आज आपको दिखने में आएंगे, ये महामारी जो है आपको दिखने में आएंगे और ये सब चीज से हमें जीतना है। बहुत से समस्याएं क्लेश हमारे जीवन के अंदर रोज आते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है भलाई से बुराई को जीत लो। इसलिए आज हम भलाई करें, जो भी बुराई अगर हमारे जीवन के अंदर भी आते, क्योंकि बहुत से दासों के जीवन के अंदर भी बहुत से क्लेश आए, तकलीफें आए, लेकिन उन्होंने भलाई से बुराई को जीत लिया है। उसी समान आज हम भी, बाइबल के अंदर लिखा है भलाई करके बुराई को जीत लो, ये हमें भी करना है। तो इसलिए आज ये विषय आपको इसलिए बताया कि आपका समस्या कोई भी हो, उस समस्या से एक ही मार्ग है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम जय प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें हर दिन हमें सारी संसार की सब युक्तियों से हमें बचना है, हमें जीतना है। इसलिए खुदावर यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं संसार से विजय पाया, इसलिए हम इस बातों को याद रखें, खुदावर यीशु मसीह के वचनों को हम याद रखें, क्योंकि उसने लिखा है मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए आज हमें भी जीतना है और हमें अंत तक यीशु मसीह आने तक हम सबों को खड़ा होना है। इसलिए इस बातों को ख्याल करें, जो भी तकलीफें, बीमारियां, परेशानियां, संकट, दुख, दर्द हमारे जीवन के अंदर आते,
ये सब हमारे विश्वासों को बढ़ाने के लिए आते हैं। खुदा हमारी बुराई के लिए ये सारी चीजों को अलाउ नहीं किया है, लेकिन ये हमें सहकर हमें जीतना है, इसलिए ये हमारे जीवन के अंदर ऐसे सब परिस्थितियां आते। तो ये सारी चीजों से हमें जीतना है, ओवरकम करना है, इसी को हम याद करें ताकि खुदा हमारे साथ है। जैसे सभी लोगों ने जय पाए तो आज हम भी जय पा सकेंगे, तो इसलिए हम प्रार्थना, उपवास और वचन पढ़ते हुए हमारे जीवन के अंदर खुदा हमें आशा दिलाता है कि हम भी जय पा सकेंगे। तो इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम सबों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि खुदा सबों को हर एक समस्या के अंदर उन्हें जय पाने के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आज के विषय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि आज हमें भी प्रभु हर मुसीबत के अंदर जय पाने के लिए हमें मदद करना। विशेष करके आज हम सभी तमाम सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, यदि उनका कोई भी समस्या है, यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर अगर फंसे, खुदावन आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे, विश्वास से उन्हें प्रभु जिला और उन्हें जय पाने के लिए तूने सहायता कर, मदद कर, सारी अपराधों को क्षमा कर, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हुए खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ये YouTube चैनल देख रहे, खुदा आप सबों को आशीष करे और आपके समस्या के अंदर भी कोई भी परेशानी के अंदर खुदा आपको भी जय दे और जीत पाने के लिए खुदा आपको मदद करे। तो इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे। जब तक हम फिर मिलते नहीं, खुदा आप सबों को आशीष करे। तो ये 11वां महीने के अंदर भी खुदा आप सबों को संभाल कर रखे, यही हमारी प्रार्थना है, विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।